नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये बताइए कि फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट कब होगी, ये क्लियर कर दीजिए। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हैं, अपनी इस एग्ज़ाम डेट को लेकर अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा आपको क्लियरली कर दूंगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब आपका एग्ज़ाम होगा। आपका जो एग्ज़ाम आप हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड यानी कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड और वन जीव रक्षक का जो आपको वन रक्षक और वन जीव रक्षक का जो आपने फॉर्म डाला है, अप्लाई किया है, जिसमें आपकी 632 प्लस कुछ वैकेंसियां हैं इसमें आपकी, और ये इनका टारगेट, और इसमें आपको पढ़ा बता देंगे कि कितना फॉर्म पड़ा हुआ और कितना कंपटीशन है, आपका लेवल कितना हाई है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने इस वीडियो पे पूरा बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, हर बात को आज समझ लेनी है, काफ़ी कंफ्यूज नहीं होना और सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करना है। कैसे क्या करेंगे सब पूरा इस वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं आपका जो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखो, आपने आयोग ने नोटिस निकाली थी, आयोग ने नोटिस यानी कि UPSSC आयोग ने जो नोटिस निकाली थी, उस नोटिस में उन्होंने क्या दिया था कि आपका जो है दिसंबर में कब आपका एग्ज़ाम होना है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना, दिसंबर की उन्होंने बात की है। लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि दिसंबर में आपका किस डेट में होगा, कि आपका 1 तारीख को होगा, 2, 3, 4 या 30, मतलब कब तक होगा, ठीक है, डेट नहीं क्लियर किया है। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम दिया गया है, क्या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा कि नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में होगा, ठीक है। कुछ कहते हैं जनवरी नहीं, जनवरी लास्ट या फरवरी में होगा। ये फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हैं बच्चे, ठीक है। ये बच्चों, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ, पहले आप ये बताइए एग्ज़ाम डेट के बारे में बात की, एक बाद में करेंगे, मैं क्लियर कर दूंगा एग्ज़ाम डेट के बारे में। पहले ये आप बताइए कि जो आपने एग्ज़ाम डेट मान लिया, अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, क्या अपने आप से आप पूछिए, किसी और से मत पूछिएगा, ठीक है। अपने आप से पूछो, जो आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है, कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर वाला होने वाला है, क्या आपके उसमें 145 प्लस नंबर आ रहे हैं, क्या उसमें आपके 145 प्लस नंबर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो जाए, अगर एग्ज़ाम आपका करा दिया जाए, आयोग ने करा दिया एग्ज़ाम, तो क्या आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मान लीजिए बोल दिया जाए आपके आपका दिसंबर, आपके दिसंबर 5 दिसंबर को आपका पेपर होगा, ठीक, बोल दिया जाए डेट, बस आपके शॉर्ट जैसे करंट क्या लगता है उस तरीके से करने लगा, अरे लो इतनी जल्दी आयोग ने एग्ज़ाम करा दिया। ये नहीं बता सकोगे कि 2 साल हो गए हैं फॉर्म डालने को और तुम्हारे अभी 140 प्लस 145 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं। पहले अपने आप पे अंगुली उठा के देखो, अपनी तैयारी नहीं है और फालतू के अफवाह करते कमेंट करते रहते हो। पहले पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई फोकस नहीं करोगे तो सब बर्बाद कर लोगे, ठीक है। आपका देखो एग्ज़ाम आयोग ने बोला है दिसंबर में, तो आयोग अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा, कब होगा, दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। आप दिसंबर में बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर मत भटकें, ठीक है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है निश्चित, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लियर। दिसंबर, अब ये देखो दिसंबर में डेट करो, बता दो, बहुत लोग बोलते हैं कि डेट बता दीजिए, डेट की बात करें तो आपका डेट देखो दिसंबर स्टार्टिंग होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा ये 10 दिसंबर यानी कि सेकंड हफ्ता, सेकंड वीक के बाद ही, यानी कि 10 दिसंबर के बाद आपको एक सुनने को मिल जाएगा, हो सकता है 10 तारीख के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड सुनने को मिल जाएगा कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ये नोटिस कर लीजिए इस बात को, ठीक है, ये मतलब ये फॉर्म समझिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। अगर अभी से तैयारी करते रहेंगे, अभी आपके पास टाइम है, आपका अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आज 29 सितंबर है और अक्टूबर स्टार्ट होने, यानी कि अक्टूबर और नवंबर पूरे 2 महीने हैं, आप 2 महीने में अभी जिनकी तैयारी नहीं हो पाई हो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है। और जिन्होंने अभी इस पर प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया, हम टाइमली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, ठीक है, हिंदी का चल रहा है और GK GS का चल रहा है, ठीक है, GK और
जीएस के प्रैक्टिस चल रहे हैं, तो आप लोग जिन्होंने इंस्टॉल किया सॉल्व कर लें, ठीक। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अब एग्ज़ाम डेट को लेकर आप कमेंट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट देखो आयोग ने क्लियर कर दिया कि दिसंबर में आपका होना है। अगर कोई अपडेट आता है तो उससे पहले अगर कोई अपडेट आता तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप अपने दिसंबर को टारगेट करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें पूरा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।